अच्छा तू ये बारात वाले दिन की वीडियो है सुबह के टाइम की, ये हमारे घर में मतलब सुबह के टाइम दुल्हन ये जिस दिन बारात होती है अंडा और दही मिक्स करके बालों में लगाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे सेशन के बारे में वैसे कुछ पता नहीं है, मैं तो बस वैसे ही खड़ी होकर देख लेती हूँ यार चलो क्या हो रहा है, वैसे मुझे सेशन के बारे में पता नहीं। हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सब, और आज है बारात का दिन, मेहंदी के मैंने ब्लॉग्स वगैरह डाल दिए हैं और दो पार्ट मैंने डाले हैं, और आज है बारात का दिन। तो आज में हम लोग ना सुबह जल्दी तैयार होने चले गए थे नाश्ते के फौरन बाद, क्योंकि आज हमने बारात का वेलकम करना था तो आज हम लोग को जल्दी ही हॉल में जाना था। मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी, बस मैं सबसे पहले तैयार होकर हॉल में चली गई थी, आज भी सबसे पहले मैं गई थी, और यहाँ पर भी ब्राइड बैठी हुई थी, ब्राइड को भी थोड़ा लेट तैयार होना था, मतलब वो थोड़ा लेट भी हो जाए तो इतना मसला नहीं होता, तो यहाँ पर भी बारात कह रही हूँ, अभी यहाँ पर ब्राइड ना बैठी हुई थी क्योंकि मेहंदी थोड़ी सी रह गई थी, तो पहले वो मेहंदी लगवानी थी, और यहाँ पर मैं उन्हें दिखाई थी कि अपने दूल्हे का नाम दिखाओ कि आपने ना किधर लिखवाया है, तो उन्होंने यहाँ पर लिखवाया था। मेहंदी बहुत बहुत प्यारी लगी हुई थी, मैंने पहले दिखाई नहीं मेहंदी मेरे ख्याल से, तो ये है ब्राइड की मेहंदी। अब हम उसके बाद में तैयार हो गई थी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया तैयार होते वक्त का, बस फिर हम लोग चले गए थे हॉल में, और हॉल में ना सबसे पहले मैं गई थी और मैं चली गई थी, मुझे मैं मेहंदी और बारात जाने का मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं जाकर अपनी पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ तो ये मुझे आसानी हो जाती है, और ये है मेरी फुल लुक। अभी कोई भी नहीं आया, तो मैं पहले जाकर इतना बोर हो रही थी क्योंकि पहले सारे ही बड़े आए थे, मैं उनके साथ जाकर क्या करती, मैंने कहा चलो कुछ नहीं करती अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो रहा है, अब हम हॉल वगैरह नहीं आते हैं, तो बस अभी कोई भी नहीं आया, पहले हम भी आ गए, मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह लेती हैं, तो बस अभी है अभी है। अच्छा तो ये है सारा स्टेज, और अभी बारात नहीं आई तो सबसे पहले आए हैं हम, क्योंकि मैं सबसे पहले रेडी भी हो गई थी, तो ये है सारा स्टेज और ये है हॉल। अच्छा तो ये है सारी बारात की डेकोरेशन, डेकोरेशन बहुत बहुत प्यारी थी, दोनों फंक्शंस की बहुत प्यारी थी, मेहंदी की भी बहुत प्यारी थी और बारात की भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और पूरी शादी में बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया, और यहाँ पर सब जो जो पहले आ गए थे वो अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे, और अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया हुआ था तो थोड़ी सी मुझे बोरियत हो रही थी, और यहाँ मेरा भाई अपनी पिक्चर्स बनवाते हुए, मतलब अभी जो जो आ गए थे वो सिर्फ अपनी पिक्चर्स ही ले रहे थे क्योंकि और भी कोई ज़्यादा लोग आए नहीं होते, और यहाँ पर अपा और चाचू और ताए अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ना प्लेट्स में फ्लावर डाल के रख दिए थे, तो जो हमने डाल के रख दिए तो बच्चों को इतनी बच्चे शैतानियाँ करते हैं यार, सारे फ्लावर फेंकने लग गए, फिर हमने दोबारा से शॉपर में डाल दिए क्योंकि अभी बारात को आने में थोड़ा सा टाइम हो गया लगना था, तो उतनी देर में ये सारे ख़त्म हो जाने थे। और यहाँ पर यह है मेरा फुल ड्रेस, और यह है हुसैन मेरा कज़न, जो कह रहा था आप ही मुझे व्लॉग में लेना, आप ही मुझे व्लॉग में लेना, तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम भी आ जाओ व्लॉग में, इतना शरीर बन के बैठा हुआ है। और यहाँ पर फिर ब्राइड भी आ गई थी त्यारों पर, शुक्र सारी आ गई क्योंकि उससे पहले मैं अकेली थी और मेरी बहन थी, मैं इतनी बोर हो रही थी हॉल में, और बस सब ब्राइड आ गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ब्राइड की फुल लुक, और ये हैं ब्राइड, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, मेहंदी में भी बहुत प्यारी लग रही थी, और बारात भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, अभी उनका हो रहा था फ़ोटोशूट, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। मैं भी बाहर चली गई थी, उनका फ़ोटोशूट हो रहा था, क्योंकि मैं इतना अंदर बाहर इतना इंजॉय कर रही थी तो मैं अंदर खड़ी होकर क्या करती, फ़ोटोशूट ही देखना था, तो बस यहाँ पर ब्राइड कर रहा था फ़ोटोशूट, और उतनी देर में आगे बढ़ा, बारात आ गई है और अब हम उनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं सारे रिंग लानी थी यहाँ कर रहे हैं बारात का वेलकम। ड्रेस भी दिखाते हैं आपका, अच्छा तो यहाँ पर बारात आ गई है, और बारात ने बड़ा इंतज़ार करवाया यार, बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा हमने इंतज़ार किया बारात का मैं तो इंतज़ार कर करके थक गई थी यार, एक तो भीड़ इंसान को थका देती है, पर जितनी कंफर्टेबल हील मैंने बारात पर पहनी थी ना मज़ा आ गया था, कोई सब पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने हील पहनी हुई है, गुस्सा मेहंदी पर थोड़ा बहुत मैं थक गई थी,
और बारात बहुत सुकून से गुजरी। और यहाँ पर हम सारा बारात का वेलकम करने के लिए खड़े हुए, सारे कज़न वगैरह। अभी बारात आ गई है तो हम पहले इनका वेलकम करेंगे, फिर हम चलेंगे अंदर। साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। इतना टाइम तो रह नहीं किया था हॉल का, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। बस फिर थोड़ा बहुत कुछ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, एक दो घंटे, एक घंटा ही रह गया था मेरे ख्याल से बाद में। तो बस इतना टाइम तो था नहीं, तो जो जो हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा तो ये है विद हसन वेट निमरा, बहुत प्यारी विद है। अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये है बस। अच्छा तो ये है मेरी कज़न वगैरह, और ये सिर्फ हम लोग वीडियो के लिए मिल रहे थे। इससे पहले हम घंटे से आधे फंक्शन से साथ घूम रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, हम दोबारा से मिल लेते हैं। बहुत हम लोगों ने शादी भी इंजॉय किया यार। उठा ले कुबरा को। हर मकाम में हर सुबह रब से तू मांग लाऊं, हूं बहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया। पांच हजार दे दे, एक घुट दे दे। ससुराल को अखियों में पानी दे गई। तो बारात भी हो गई है और रुखसती अभी अभी हुई है, और भी हॉल की लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई हैं, और अब हम भी जाने लगे हैं घर। तो बस अब हम जा रहे हैं घर। तो फाइनली सारा फंक्शन हो गया बारात का, मतलब सारे रुखसती वगैरह हो गया, अब भी घर जा रहे हैं। बहुत ठंड लग रही है फंक्शन के बाद, मुझे तो हमेशा फंक्शन के बाद ही ठंड लगती है। अच्छा तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, हम लोग लेकर जा रहे थे दुल्हन का नाश्ता,
बराती अगले दिन, तो हम चलते हैं नाश्ता लेकर। अच्छा तो ये है ब्राइड का रूम, बहुत प्यारा था माशाल्लाह। और बस हम मिलने गए थे और उनका नाश्ता लेके गए थे। फिर उसके बाद एक वलीमे बारात में और वलीमे में ना एक दिन का गैप था, तो हम लोग पूरा दिन घूमते रहे, गोलगप्पे खाए, इधर गए उधर गए, पूरा दिन मतलब हम घूमे। रात को हम लोग कहीं गए हैं घर। फिर उसके बाद जब घर गए तो फिर उसके बाद आप ही की बर्थडे थी, तो वो सेलिब्रेट की इनकी फ्यूंस हैं, उन्होंने सरप्राइज़ दिया था बहुत प्यारा। तो बस अब फिर उसके बाद हमने की आप ही की बर्थडे सेलिब्रेट, बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत प्यारा सरप्राइज़ था माशाल्लाह। तो यहीं पर होते हैं वीडियो का एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।